हमारा पूरा ईमान है कि अच्छा बुरा तकदीर में लिखा है, मगर फिर भी हमें इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारा अल्लाह के बारे में बदगुमानी है। इंसान को अपनी तकदीर से डर इसलिए लगता है क्योंकि सूअ ज़न बिल्लाह कहते हैं उसको, अल्लाह से बदगुमानी है कि अच्छा होना ही नहीं है। क्योंकि हमने माजी में जितना भी एनालिसिस किया होता है यही किया होता है कि जी बुरा ही हुआ होगा, अच्छा ही हमने कभी देखी नहीं होती, तो हमें लगता है अच्छा अल्लाह ने अच्छा करना ही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न जब हमें अपनी तकदीर से डर लगना शुरू हो जाता है इन शॉर्ट, और इस डर में हम अपने आप को काबू नहीं कर पाते। भाई किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप तजर्रा करके इफरात तफरीत करेंगे ना, वो एक टाइम पर आपसे काबू नहीं होगी। उम्मीद हो, खौफ हो, दुख हो, गम हो, हुजन हो, मोहब्बतें हो, नफरतें हो, बुगज हो, ये इंसान के दिल के अंदर आ जाती हैं, मगर इसको अगर आप हैंडल करके संभालेंगे नहीं ना, तो एक टाइम पर फिर ये आपको काबू कर लेती है। उम्मीदें, खौफ, डर, तकब्बुर, हसद, बुगज, ये फिर आपको खा जाएगा, आपका अपना ही खा जाएगा। वो कहते हैं ना कि जो हासिद को महसूद के नुकसान से पहले अपना हसद मार देता है, महसूद का नुकसान तो बाद में देखता है वो जिससे वो हसद कर रहा होता है, हासिद खुद अपनी हसद में जल के मर जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो है ना उसको वहां तक नहीं पहुंचाते। हमारे यहाँ एकेडमीज होनी चाहिए, ट्रेनिंग एकेडमीज होनी चाहिए, डेवलपमेंट एकेडमीज होनी चाहिए, इस लिहाज से कि भाई इंसान को और घर में और फैमिली में और पेरेंट्स को और सिस्टम ही पाकिस्तान का ऐसा होना चाहिए था कि जिसके अंदर हम लोगों से कह सकें भाईजान ये काम इस तरह से इतना ज़्यादा नहीं आप लेके जा सकते, वरना ये आप पर गालिब हो जाएगा। इसलिए सहाबा को हल्की सी भी कोई थॉट आती थी ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागते थे पूछने के लिए कि जी मुझे ये सोच सही आ रही है, मुझे ये ख्वाब आया ये इस तरीके से, मुझे ये फीलिंग आ रही है ये इस तरीके से, वो हर चीज़ टैली करते थे आप सल्लम के साथ। हमारे यहाँ हम उसे पाल के उसकी पूरी कढ़ाई बना के उसका पूरा कुकर गर्म करने के बाद जब वो फुल अकीदा और नज़रिया बन जाता ना, फिर जाके उस पर एक्शन हो जाते हैं, फिर रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, फिर वो रिजल्ट भी बर्बादी के तहत होते हैं, फिर जाके भी ये सोचते हैं हम उसको पाल के अंदर रख लेते हैं और गाड़ी चलते रहती है। ऐसे जो है वो माइंडसेट्स नहीं बनते, इस तरीके से माइंडसेट्स नहीं रेडी होंगे आगे से। तो आपको अपनी हर सोच का मुहासबा करते रहना चाहिए भी मुझे क्यों आ रही है ये सोच, मैं किसी से टैली करूँ। इसलिए तो माशरे को असाज़ा की ज़रूरत है, रहबरों की ज़रूरत है, मेंटर्स की ज़रूरत है, उलमा की ज़रूरत है, स्कॉलर्स की ज़रूरत है, जो बताएंगे भाईजन ये सोच नहीं है ठीक, ये शैतानी सोच है, ये रहमानी सोच है, ये नफ्सियाती सोच है, ये जज्बाती सोच है, ये अकली सोच है, ये बातें सिस्टम के अंदर लर्नड लोगों से पूछा जाएगा, ये बात इस तरह से नहीं है, ठीक बात नहीं कर रहे आप, ये आपका बनता ही नहीं था यहाँ पर इस तरह से सोचना। तो इसी तरीके से आप जो है वो जो है तकदीर के बारे में भी जो है ना कि ज़्यादा जब ज़्यादा आप सोचेंगे ना, ज़्यादा किसी के बारे में भी सोचेंगे आप आपे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आसमानों पर क्या लिखा हुआ अल्लाह ने आपको। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आपने तो वो करना है जिसको अल्लाह ने आपको कहा, जो आपके इख्तियार में है वो करें, बस ये एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है, इससे ज़्यादा का और कुछ नहीं है इंसान के पास।